रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ भाजपा के नए चेहरे होंगे। पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद का उनके नाम को लेकर सहमति बनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कभी भी उनके नाम का ऐलान कर सकते हैं। पूर्व सांसद साय को केंद्रीय संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का करीबी माना जाता है। जानकारी के मुताबिक साय की नियुक्ति अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए होगी और विष्णुदेव साय इससे पहले दो बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो एक बड़ी खबर और इसी पर सारी जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, एक और नया चेहरा अब बीजेपी में शामिल हो सकता है? देखिए, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और इस बीच कई जब राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान हुआ तो उम्मीद की जा रही थी तब कि छत्तीसगढ़ की भी भाजपा को एक नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन इस बीच कोरोना संकट देश में आ गया और इस लिहाज से संगठन ने ये नियुक्तियां फिलहाल स्थगित कर दी गई थी। अब केंद्रीय संगठन के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि विष्णुदेव साय जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। साय बीजेपी के छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उनके नाम पर मंजूरी मिलना कोई चौंकाने वाला मसला इस लिहाज से नहीं है क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा छत्तीसगढ़ भाजपा का वो आदिवासी कम्युनिटी से ही बनेगा। हालांकि इस बीच आशीष, पार्टी का सोचना यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जिससे पार्टी को मजबूती मिले और छत्तीसगढ़ में वैसे भी जरूरत है कि बीजेपी को मजबूती मिले क्योंकि कांग्रेस का काफी कहा जाता है कि शुरुआत से ही कांग्रेस रही, फिर उसके बाद में एक बार फिर से कांग्रेस का बोलबाला वहां पर कह सकते हैं एक तरीके से। देखिए, संतुलन देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो चेहरा है वो मोहन मरकाम, वो आदिवासी है। लगभग इसी तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बीजेपी ने शायद इस स्ट्रेटजी पर काम करना बेहतर समझा होगा। नेता प्रतिपक्ष जो है धरमलाल कौशिक वो ओबीसी वर्ग से है और यही एक बड़ा आधार था कि ट्राइबल कम्युनिटी से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाए और यही बड़ा कारण और बड़ा आधार भी बना है कि विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी गई है। जरूर रामविचार नेताम का नाम बीच में काफी उभर कर सामने आया था कि नेताम बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं और लगभग केंद्रीय जो संगठन है भाजपा का उस बीच ये भी तय कर लिया गया था कि नेताम के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। चर्चा यह है कि जो रामविचार नेताम का विरोधी गुट छत्तीसगढ़ में है उस गुट ने वहां पर अपना वीटो लगा दिया और यही एक बड़ी वजह रही कि नेताम की ताजपोशी बतौर बीजेपी अध्यक्ष नहीं हो सकी। इसलिए विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है कुछ घंटों बाद या उम्मीद की जा रही है देर शाम तक इसके विधिवत आदेश भी जारी कर दिए जाए। साय डॉक्टर रमन सिंह गुट के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और इस लिहाज से ये तय है कि छत्तीसगढ़ में जरूर चेहरा अब विष्णुदेव साय होंगे भाजपा के। लेकिन यही तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। और इंदौर